इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलम्बर्स प्रिंसिपल के बारे में। डीएलम्बर्स प्रिंसिपल जब बॉडी मोशन में होती है और हम लोग उस पर कोई फोर्स लग रहा है, हमें उसकी स्टडी करनी है, तो हमारे पास में तीन अप्रोच है टोटल स्टडी करने के लिए उस बॉडी की। पहला है डीएलम्बर्स प्रिंसिपल, दूसरा है वर्क एनर्जी इक्वेशन एंड थर्ड वन इज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग डीएलम्बर्स प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। डीएलम्बर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसी का एप्लीकेशन है डीएलम्बर्स प्रिंसिपल। अगर सपोज इफ दिस इज अ बॉडी सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ फोर्सेस, फोर्स 1, 2, 3, 4, सो F1, F2, F3 एंड F4, F5। सो इस बॉडी पे एक फोर्स ना लग के एक सिस्टम ऑफ फोर्स लग रहा है इस पूरी बॉडी में, और इन सारे फोर्सेस के कारण बॉडी कहीं ना कहीं मूवमेंट में होगी, कहीं मोशन में होगी। एंड लेट अस अज्यूम द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी लाइक दिस आर एज अ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो है आर के फॉर्म में एक्ट करेगा और इस बॉडी में जो मोशन होगा, मोशन हो रहा होगा, लेट अस अज्यूम दिस मोशन, दिस इज द एक्सीलरेशन ए, कुछ एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगी बॉडी या किसी मोशन में मूव करेगी। तो अकॉर्डिंग टू डीएलम्बर्स मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे कि ये जो पूरी पूरी असेंबली है उस पर हम लोग एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे और उसका मैग्नीट्यूड होगा एम इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू द इनर्शियल फोर्स और दैट इज नॉन एज इनर्शियल फोर्स एफ आई। एंड ये जो एफ आई है, अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट देखें देन बॉडी इज डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी और डीएलम्बर्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन आ जाएगा आर माइनस एम इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ड्राइव बाई डीएलम्बर्स। डीएलम्बर्स ने बोला कि अगर बॉडी आपकी मोशन में है तो हम लोग एक डायनामिक इक्विलिब्रियम उस पर्टिकुलर कंडीशन में लिख सकते हैं। वो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि अगर उस पर इक्वल एंड अपोजिट, ये जो अपोजिट फोर्स है उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है, और बॉडी का मोशन उसी डायरेक्शन में होगा जहां पर उसका रिजल्टेंट एक्ट कर रहा होगा। तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा वहीं पर उसका मोशन होगा और उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे हम लोग इस अमाउंट का, एंड दैट इज नॉन एज डीएलम्बर्स प्रिंसिपल। सो डीएलम्बर्स प्रिंसिपल सेकंड थ्योरम ऑफ न्यूटन्स लॉ उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा एंड